वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज निमेशन यादव और आज मैं लेके आई आयु आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो सो so गाइस जैसे कि मेरे चैनल पे काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी कॉलेज रिव्यूज मेरे चैनल पे काफी दिनों से नहीं आ रहे थे बिकॉज अभी एडमिशन्स uh, भी खत्म हो गए थे एंड जो 2023 के एडमिशन थे वो बहुत अच्छी तरह से खत्म हो गए अब 2024 के एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके बारे में आज अपनी वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के सामने कॉलेजेस है वो थोड़े टाइम पहले से ही जो एडमिशन है वो ओपन कर देते हैं तो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में तो आज मैं अपनी वीडियो में एमबीए को ज्यादा फोकस करने वाली हूँ कि शूलिनी यूनिवर्सिटी में एमबीए में क्या क्या नया जुड़ा है या क्या क्या मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एमबीए के बारे में मैं अच्छी तरह से फोकस करूंगी एंड बाकी कोर्सेज की भी वीडियो की कोर्सेज शूलिनी यूनिवर्सिटी के बाकी वीडियो भी, मैंने पहले उसका लिंक भी, भी मैं में डाल दूंगी अगर उसमें आपको बाकी जाना है, बाकी है, तो आप में देख सकते हैं आपको बाकी फीस भी उसमें दिख जाएंगी अगर आप कोर्सेज की फीस देखना चाहते हो प्लेसमेंट देखना चाहते हो सब कुछ ही मैंने उस वीडियो में बताया है एग्रीडिटेशन ओवरव्यू सभी कुछ मैंने अपनी उस वीडियो में बता रखा है तो आप वहां पर जाके बाकी कोर्सेज को भी देख सकते हो बट आज की वीडियो में आपको ज्यादा एम के बारे में बताने वाली हूँ एंड क्या क्या एम में है क्या क्या नया नया जुड़ा है यहाँ पे एंड कैसा 2023 ट्वेंटी थ्री के एडमिशन कैसे रहे प्लेसमेंट्स कैसे रहे सभी कुछ मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड गाई सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड कितना अच्छा ग्रीनरी वहां पे आपको शो होता है कितना ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आपको शूलिनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उसके साथ साथ अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे प्लेसमेंट के साथ साथ आपको इतना अच्छा एनवायरमेंट भी मिलने वाला है जिसे देख के आपका खुद मन बहुत अच्छा हो जाएगा आपको पढ़ने का भी मन करेगा आप घूम फिर भी सकोगे एंड बहुत कुछ आपको पता है हिमाचल प्रदेश तो कितना ज्यादा सुंदर है अपने में ही सो यहाँ गाइज अगर आपको मौका मिल रहा है इतनी अच्छी जगह जाके अपनी पढ़ाई करने का तो आई गेस आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए बिकॉज यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा अच्छी है काफी ज्यादा मशहूर है अब यही इसकी तारीफों की जगह मैं आपको आगे की बातें बता देती हूँ तो सबसे पहले हम कोई भी देरी ना करते हुए इसके ओवरव्यू व्यू पे चलते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या है कैसे कहाँ पे है ये कौन कौन से एग्रिटेशन इसे मिली हुई है किससे अप्रूव्ड है बाकी आपको आगे बताती हूँ इसका ओवरव्यू तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ गाइज फर्स्टली अगर मैं आप सभी को बताऊँ ये कब स्टैब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी तो ये यूनिवर्सिटीब्लिश हुई है 2009 में तो इसको पूरे 14 साल हो चुके हैं स्टैब्लिड हुए और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपको शुलिन यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाती है देन अगला मैं आपको इसके एग्रेडेशन के बारे में बताऊँ तो इससे नाक ने बी प्लस प्लस ग्रेड दिया था अगर मैं आप सभी को बताऊँ रिकॉगनाइजेशन के बारे में तो किससे किससे रिकोग्नाइज है तो ये यूजीसी पीसीआई बी सी एल इन सबसे रिकॉग्नाइज्ड है ये वाली यूनिवर्सिटी जो की है शिवलिनी यूनिवर्सिटी सो so गाइज अगर मैं आप सभी को फ्लैगशिप कोर्सेज बताऊं तो सबसे पहला है एम जैसे कि आज मैं अपनी वीडियो में फोकस करने वाली हूँ MBA के बारे में तो MBA इसमें बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स माना जाता है बहुत ज्यादा मशहूर कोर्स है एंड एमएससी भी यहाँ पे अच्छा खासा कोर्स माना जाता है अगर मैं आप सभी को इसके रैंकिंग्स के बारे में बताऊँ मैं आपको इसकी रैंकिंग्स के बारे में बता देती हूँ सिर्फ काफी ज्यादा अच्छी अच्छी इसकी रैंकिंग्स भी हैं तो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी मैं ऐसे भी आप सभी को बता देती हूँ यूनिवर्सिटी आपको टॉप सेवेंटी फाइव एन आई एफ रैंकिंग में मिल जाती है जो कि शुल यूनिवर्सिटी अगर हम बिजनेस स्कूल में बात करें तो ये वन से लेके वन की रैंक में आती है शुलिनी यूनिवर्सिटी जैसे कि मैंने आप सभी को बताया मैं आज एम बी ए पर ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ तो मैंने आपको बिजनेस स्कूल की भी रैंकिंग बता दी अब इसमें बाकी और भी बहुत सारी रैंकिंग्स है तो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी आप प्लीज़ यहाँ पे देख लो क्योंकि मैं इतनी सारी रैंकिंग्स अगर आपको बताऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे बाकी चीज़ें भी बतानी है तो आप यहाँ पे पॉज कर करके कर बाकी चीज़ें भी बाकी रैंकिंग्स भी देख सकते हैं सो गर्ल्स फुल्ली कॉम्प्लीमेंटेड एंड एग्रीडेटेड के बात करें तो मैंने आप सभी को जैसे कि बताया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी एन बी ए नैक सबसे अप्रूव्ड है एंड एग्रीडेटेड है सो so नेक्स्ट मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कौन सी लोकेशन पे आपको ये वाली यूनिवर्सिटी मिल जाती है मैं आपको नीचे स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दू मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में बट अगर आपको एग्जैक्ट इसकी लोकेशन पता करनी है तो मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर रही हूँ आपको सोलन बजोल हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है बाकी आप लोकेशन स्क्रीन पर भी शो हो रही है आप यहाँ पर भी सकते हो तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोर्सेज ऑफर की तो यहाँ पे आपको 19 प्लस कोर्सेज भी मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा है आपको सारे कोर्स यहाँ पे मिल जाते हैं लाइक आपको बी टेक एमएससी बी एस सी एम बी पीजीडीएम बी फार्मा बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं मेन हम यहाँ पे एम बी ए की बात करें तो आपको यहाँ पे एम बी ए बहुत ज्यादा अच्छा मिलने वाला है एंड जो अगर मैं आप सभी को बता दू तो यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में काफी ज्यादा एडमिशन हुए काफी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एम बी ए को अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी बच्चों ने अप्रोच करी काफी बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिए हैं एंड अब इनकी फीस में भी कुछ ऊपर नीचे हुआ है वो भी मैं आगे आपको बताती रहूंगी जब मुझे आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं जरूर अपनी वीडियो में आप सभी को बता

आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर जाएंगे आपके मन में ऐसा हो जाएगा कि आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे आपको एडमिशन लेना है वो भी आपका इजीली करवा दिया जाएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सब आपकी इस नंबर से क्लियर होने वाली है तो आप यहाँ पर कॉल करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताना आपकी जो भी क्वेरीज हैं तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया यहाँ आप पे आपको 19 प्लस कोर्सेज मिल जाते हैं आपको यहाँ पे 15 प्लस स्कूल्स मिल जाते हैं उसमें आपको मिल जाता है बायोटेक मिल जाता है मैनेजमेंट बी फार्मा टेक्नोलॉजी योगा लिबरल आर्ट लॉ एग्रीकल्चर नेचुरल साइंस एक्सेट्रा और भी बहुत सारे स्कूल यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाते हैं सो so गाइज यहाँ पे ट्वेंटी में यहाँ पे नाइनटीन प्लस स्टेट से, से स्टूडेंट्स आए हैं एम करने के लिए एंड अब जैसे लगता है जैसे जैसे इसका ग्रोथ हो रहा है शिवली यूनिवर्सिटी का एम में अब ट्वेंटी में और ज्यादा ये आगे बढ़ने वाला है और बच्चे यहां पे एडमिशन्स लेने वाले हैं सो गाइज़ आपको अगर एम बी ए करना है एंड अगर आगर आगर आपको अपनी सीट जो है वो बुक करनी है तो आप अभी से कर लो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो मैंने आपको नंबर शो कर दिया है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो अदरवाइज यहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों की शूलिनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तो आई गेस कई सीट्स भर जाएँ तो आप एडमिशन ना ले पाओ तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो भी आप यहाँ पर नंबर पर बात कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो एंड अगर मैं आप सभी को बताऊँ यहाँ की प्लेसमेंट तो यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होने वाली है हंड्रेड बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हैं हर साल ये लोग ऐसा कहते हैं कि हंड्रेड परसेंट बच्चे यहां पे प्लेस्ड हो जाते हैं एंड यहां का जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपको ट्वेल्व लाख पर एनएम का मिल जाता है एंड एम बी ए का मैं बता रही हूँ ट्वेल्व टू फिफ्टीन लाख आपको पर एन एम यहाँ पे हाइस्ट पैकेज मिल जाता है एवरेज की बात करूँ तो एट पॉइंट फाइव लाख पर एन एम तक आपको एवरेज पैकेज मिल जाता है एंड लोएस्ट की बात करूँ तो आपको तीन चार लाख तक यहाँ पे लोएस्ट पैकेज भी प्रोवाइड हो जाता है एंड ये लोग कहते हैं कि हंड्रेड परसेंट बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है यहाँ की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है आपको इसकी फीस देखने तो आप मेरी उस वीडियो में भी देख सकते हो मैंने वहाँ पे भी प्रोवाइड करी है यहाँ फीस कोर्सेज़ की क्या क्या फ़ीस है मैंने वहाँ पे भी डाली है तो आप वहाँ पे देख सकते हो एंड अगर मैं आप सभी को अब बताऊँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी आपको प्रोवाइड हो रही है जो आपकी फ़ीस को और कम कर देगी तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर सारी शो कर रही हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो बिकॉज वही बात है कि मैं सारी आपको नहीं बता सकती बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है हर बच्चे को अलग अलग स्कॉलरशिप मिल सकती है तो वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो बे एक करके तो मैं नहीं आप सभी स्क्रीन पे सारी स्कॉलरशिप्स भी देख ली होंगी एंड आपको सब समझ आ गया होगा अगर आपको नहीं आता है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो या मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपकी क्या क्वेरी है आपको क्या समझ में नहीं आया है अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटीज़ के ऊपर ठीक है यहाँ पे आपको फैसिलिटीज कौन कौन सी मिल रही है वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ यहाँ पे आपको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही हॉस्टल्स मिल जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है हॉस्पिटल मिल जाता है वाई कैंपस है कैफेटेरिया है हॉस्टल्स में भी आपको वाई प्रोवाइड होता है ऑडिटोरियम है लाइब्रेरी है ऑडिटोरियम भी आपका काफी ज्यादा सुंदर है लाइब्रेरी भी बहुत ज्यादा सुंदर आपको शूलिंग यूनिवर्सिटी में मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आपको स्पोर्ट्स की भी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं तो और भी इसमें फैसिलिटीज़ हैं तो मैंने आपको कुछ मोटी मोटी फैसिलिटीज़ बता दी तो आपको बाकी और भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं तो अगर मैं अगली बात आप सभी को बताऊँ यहाँ पर हॉस्टल की फ़ीस क्या है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर नीचे शो कर दूँगी आप यहाँ पर हॉस्टल की जो फीस है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो एंड गाइज लास्टली मैं आप सभी को बता देती हूँ भी आपको 15 कोर्सेज मिल जाते हैं काफी ज्यादा आपको यहाँ पे ब्रांचेस मिल जाएंगे एम में जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएंगी आपको एम बी ए फस एक्सेट्रा काफी सारी ब्रांचेस भी यहाँ पे एमबीए में प्रोवाइड हो जाएंगी तो अगर आपको एमब में एडमिशन लेना है तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर लो इसके बारे में जान लो आप आगे देर मत करना अगर आपको एडमिशन लेना है बिकॉज इस बार भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एडमिशन होने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी सीट बुक हो सकती है आपको सीट नहीं मिलेगी बिकॉज सिर्फ थ्री स्टूडेंट्स को आई गेस ये लेते हैं हंड्रेड इंटेक है तो आपको अच्छी तरह से समझना होगा अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अभी से अपनी सारी प्रिपरेशन करनी होगी एंड या कई मेन मैं आप सभी को बता दूँ अगर आपको एम ए में लेना है एडमिशन तो आप बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट स्कॉलरशिप सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाते हैं अच्छी क्लासेस इतना अच्छा इवायरमेंट इतनी अच्छी लोकेशन आपको प्रोवाइड हो रही है तो मेरे ख्याल से आपको सोचना भी नहीं चाहिए इतनी अच्छी जगह मिल रही है तो अगर मैं आती तो जरूर मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर वहाँ जाकर अपनी स्टडी करती क्योंकि मैंने वीडियोज़ में वगैरह में देखा वो अलग सी यूनिवर्सिटी पूरी ग्रीनरी के बीच में है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी जैसे मैंने वीडियो में देखा सो या गाइज आई होप आप सभी की मेरी इस वीडियो से क्वेरीज कंप्लीट हो गई होंगी डाउट्स कंप्लीट हो गए होंगे बाकी कोर्सेज के बारे में भी आपको जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है वहां पर मैं फीस वीस सब कुछ आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है एग्जैक्ट सब कुछ मैंने वहां पर शो कर दिया अगर आपको देखना है तो आप वहां पर देख सकते हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड आई लव यू गाइस सो मच बाय